हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में अपना लेसन नंबर 10 जैव रसायन चल रहा था, जिसमें आज अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सबसे पहले अपन इसका प्रारंभिक परिचय देंगे। न्यूक्लिक अम्ल एक तरह का प्रोटीन होता है, जो इसके रूप में न्यूक्लियो प्रोटीन की बात करेंगे अपन। न्यूक्लियो प्रोटीन जितनी भी आपकी कोशिकाएं होती है, उन सब कोशिकाओं में न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल इसके रूप में होते हैं, प्रोटेस्टिक समूह के रूप में होते हैं। इसके रूप में होते हैं बेटा, प्रोटेस्टिक समूह के रूप में होते हैं। ये अपन प्रोटीन में बात कर चुके हैं, प्रोटेस्टिक समूह के रूप में क्या पाए जाते हैं आपके, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। बात क्लियर है? जितनी भी आपकी कोशिकाएं होती है, उनके नाभिक में क्या होता है आपका, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, और इन न्यूक्लियो प्रोटीन में किसके रूप में, प्रोटेस्टिक समूह के रूप में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें, जितनी भी कोशिकाएं होती है उनमें क्या पाए जाते हैं आपके, गुणसूत्र, और गुणसूत्रों में क्या होते हैं आपके, जीन, और उन जीन पर जो जीन होते हैं वो किनके बने होते हैं आपके, न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं। क्लियर? तो ये आपका इसका प्रारंभिक परिचय था कि आपके न्यूक्लिक अम्ल वास्तव में क्या होते हैं। अब न्यूक्लिक अम्ल के वर्गीकरण और संरचना के बारे में बात करेंगे अपन। सामान्यतः आपने डीएनए और आरएनए का नाम सुना होगा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, डीएनए और आरएनए। तो मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, डीएनए और आरएनए। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्गीकरण पर बात करते हैं। दो प्रकार के होते हैं ये, हिंदी में लिखिए अपन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसको अपन क्या ले सकते हैं, डीएनए, राइट। और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, क्लियर, जो होता है आपका आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के, दो प्रकार के हो गए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा हो गया आपका राइबो न्यूक्लिक अम्ल, क्लियर। अब यहां से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा बात कर लेता हूं, क्योंकि उन क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब करूंगा तो अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन बनता है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लिक अम्ल के, न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए, उत्पादों के नाम लिखिए। बात क्लियर है? क्या लिखा बेटा मैंने, न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर दो बनता है आपका, डीएनए या आरएनए, किसी के लिए पूछ सकते हैं आपसे कि जल अपघटन से बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए, या जल अपघटन कैसे होता है समझाइए, ये आपका क्वेश्चन है जिसको अपन यहां पर एज ए टॉपिक डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि इसमें इसकी पूरी संरचना सारी चीज इसमें आपकी आ जाएगी, क्लियर। तो अपने पास में वर्गीकरण में क्या हुआ, दो प्रकार के हो गए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए और राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए, क्लियर। इसको अपन आप क्वेश्चन से समझेंगे, न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन, न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ने पर क्या बनेगा, और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के हैं, डीएनए आरएनए को तोड़ने पर क्या बनेगा,
क्लियर। तो देखिए समझिए इनको कैसे क्या होता है, ध्यान से समझिए बेटा। देखो बात करते हैं अपन किसकी, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बनते हैं आपके, पॉली न्यूक्लियोटाइड। किससे मिलकर बने होते हैं बेटा, पॉली न्यूक्लियोटाइड। और पॉली न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। बात क्लियर है। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H3PO4। बात क्लियर है। न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बने होते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। ये किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स से। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक अम्ल। और अपने पास में जो न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें क्या है, ये आपके पास में शर्करा और दूसरे आएंगे कार्बनिक क्षार। किसकी बात करेंगे अपन, शर्करा कार्बनिक क्षार। क्लियर। अपना जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर अपन ऐसे दे सकते हैं क्या, कि न्यूक्लिक अम्ल के जलनकन से क्या प्राप्त हुआ। न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ा क्या मिलेगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड। इसको तोड़ा क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड। इसको तोड़ा दो चीजें मिलेगी, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल। इसको तोड़ा तो दो चीजें मिलेगी आपको, शर्करा और कार्बनिक क्षार। अब कौन सी शर्करा होगी, कौन से कार्बनिक क्षार होंगे, उसके आधार पर अपन इसको डीएनए और आरएनए को बता देंगे। क्लियर। इसको अपन आगे बढ़ा देते हैं। देखिए बेटा यहां पर शर्करा आपके पास में कौन सी है, दो शर्करा, तो हम कौन सी, डी ऑक्सी राइबोस शर्करा, जो किसमें होती है आपकी, डीएनए। आगे बात करेंगे, डी ऑक्सी राइबोस शर्करा। और दूसरी कौन सी होती है आपकी, राइबोस शर्करा। क्लियर, कोई दिक्कत है। तो शर्करा के आधार पर अपन ने डीऑक्सीराइबोस किसमें मिलेगी, डीएनए में, और राइबोस किसमें मिलेगी आपकी, आरएनए में। बात क्लियर है। अब आते हैं इस पे कार्बनिक क्षारक। क्षारक बोलो या क्षार बोलो, बात एक ही है। ये भी दो प्रकार के होते हैं आपके, कौन कौन से, प्यूरीन, और दूसरा कौन सा होगा आपका, पिरिमिडीन। इसकी बात करेंगे अपन, प्यूरीन और पिरिमिडीन। अब प्यूरीन में कौन कौन से आएंगे वो देख लीजिए आप। इसमें कौन सा आएगा आपका, एडिनिन, जिसको अपन कैपिटल ए से लिखेंगे बेटा। दूसरा है कौन सा, ग्वानिन, या ग्वानिन भी कह सकते हैं, ग्वानिन भी कह सकते हैं, आप जैसे बोलो। इसको अपन किससे लिखेंगे, शॉर्ट में जी से। बात क्लियर है। प्यूरीन में कौन सी क्षारक होंगे आपके, एडिनिन, और दूसरा कौन सा होगा आपका, ग्वानिन। बात क्लियर है। पिरिमिडीन में इसमें तीन क्षारक होंगे, कौन कौन से होंगे देखिए, साइटोसिन, कौन सा होगा बेटा, साइटोसिन। इसको अपन किससे लिखेंगे, सी से, किससे लिखेंगे, सी से। फिर कौन सा आएगा आपका, थायमिन, कौन सा आएगा, थायमीन, इसे लिखेंगे अपन तीस से। और फिर आएगा आपका कौन सा, यूरेसिल, कौन सा आएगा बेटा, यूरेसिल, इसे लिखेंगे अपन किससे, यू से, इसे लिखेंगे यू से। तो देखिए ये कंप्लीट अपने पास में वर्गीकरण हो गया। देखो न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बने होते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियो साइड और फॉस्फोरिक अम्ल। और अब इसमें जो न्यूक्लियोसाइड है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, शर्करा और कार्बनिक क्षार। शर्करा दो प्रकार की होगी, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज।
कार्बनिक सारक दो प्रकार के होंगे, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन में दो सारक आएंगे, एडेनिन गुआनिन, और पिरिमिडीन में क्या होंगे, साइटोसिन थायमिन और यूरेसिन। बात क्लियर है? इस तरह से ये आपका इसका न्यूक्लिक अम्ल क्या हो गया, जलम, राइट। अब इसी में हम इसको बात कर लेंगे डीएनए और आरएनए। इसकी बात करेंगे बेटा डीएनए और आरएनए। तो देखिए बेटा इसमें डीएनए और आरएनए में क्या चेंजेस आ सकता है आपका, वो देखिए। अपने पास में लिखते हैं डीएनए का जलअ, इसकी बात कर रहे हैं अपन, डीएनए के जल अपघटन की बात कर रहे हैं अपन। तो देखिए इसको तोड़ेंगे अपन तो अपने पास में क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड। इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, न्यूक्लियोसाइट प्लस फॉस्फोरिक अम्ल। अब न्यूक्लियोसाइट में क्या है, अपने पास में दो चीजें हैं, शर्करा और क्षार। क्या है, शर्करा और क्षार, क्लियर। तो अब शर्करा अगर अपने पास में कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस। कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस। तो अपन लिख देंगे यहां पर डी ऑक्सी राइबोस, क्लियर। इसमें होगी ये डीएनए, बात क्लियर है। अब बात करते हैं अपन किसकी, क्षार की। क्षारक में क्या है, एक तो है आपका प्यूरीन और दूसरा कौन सा है आपका, पिरिमिडीन, राइट। अब मैं इसको प्यूरीन दोनों में सेम होंगे, ए और जी, ए और जी, क्लियर। और पिरिमिडीन कौन कौन से होंगे, सी और टी। ए और जी का मतलब क्या हो गया, एडेनिन और गुआनिन, और सी और टी का मतलब क्या हो गया, थायमिन और यूरेसिन। तो अपन कह सकते हैं यहां पर अंतिम उत्पाद अपने पास क्या गया, शर्करा के रूप में तो मिला अपन को डीऑक्सी राइबोस, और क्षारक के रूप में प्यूरिन मिला आपको एडेनिन गुआनिन, और पिरिमिडीन मिला आपको साइटोसिन और थायमिन, और साथ में क्या मिल गया, फॉस्फोरिक। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है? अब दूसरा क्वेश्चन रखना बनता है कौन सा, आरएनए का जल अपघटन, राइट। आरएनए के जल अपघटन में देखो क्या चेंज आता है, इसी में मैं आपको परिवर्तित करके बताऊंगा। आरएनए में क्या होगा, शर्करा कौन सी रहेगी आपकी, राइबोस। कौन सी रहेगी, राइबोस। सब कुछ सेम रहेगा, शर्करा चेंज होगी आपकी, राइबोस, क्लियर। क्षारक में प्यूरिन वही रहेगी आपकी, ए और जी। पिरिमिडीन में सी वही रहेगा, परंतु थायमिन की जगह क्या रहेगा आपका, यूरेसिन। क्या रहेगा आपका, यूरेसिन। प्यूरिन वही है, ए और जी। पिरिमिडीन वही है, सी और सी वही है। टी की जगह क्या आ गया आपका, यू। थायमिन की जगह क्या आ गया आपका, यूरेसिन। तो क्या हो गया आपका, आरएनए का जल अपघटन। देख लीजिए आप, तो डीएनए जल अपघटन हो गया, आरएनए का हो गया, साथ में आपका न्यूक्लिक अम्ल। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में अपन ने डीएनए और आरएनए की संरचना के बारे में पढ़ा है। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।